नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा जौहरी आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे ही विंटर्स आते हैं स्किन ड्राई और बेचैन सी हो जाती है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि विंटर में स्किन की केयर कैसे करें। उस पर मैं आज आपको 10 टिप्स दूंगी और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी कि जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो विंटर में भी आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होगी और ग्लोइंग और हेल्दी लगेगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। 75% लोगों में 64 ईयर्स की एज में जब आते हैं तो स्किन जो है बिल्कुल ड्राई सी हो जाती है और उस पर बहुत इचिंग होती है और कभी कभी इतनी ज़्यादा इचिंग होती है कि ब्लीडिंग तक होने लगती है। और जो लेडीज़ होती हैं उनमें मेनोपॉज के बाद होता क्या है कि फीमेल हॉर्मोन्स का जो विड्रॉल हो जाता है उसकी वजह से भी जो है स्किन में चमक चली जाती है और ड्राई रहने लगती है। उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, फिर रिंकल्स भी पड़ने लगते हैं। और भी इसके साथ कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे जो लोग ज़्यादा बार नहाते हैं, दिन में दो दो या तीन तीन बार नहाते हैं और गर्म पानी से ज़्यादा नहाते हैं, या इसके अलावा स्क्रबिंग जो लोग बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं, हार सोप यूज़ करते हैं, तो ये सारे भी जो हैं वो रीजंस रहते हैं। स्किन की जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से लिपिड रिच ग्लू से जुड़ी होती हैं, पर ज़्यादा स्क्रबिंग से या सोप के यूज़ से क्या होता है, स्किन जो है ढीली पड़ जाती है। जब स्किन लूज़ हो जाती है तब उसमें एवोपरेशन ज़्यादा हो जाता है, उसमें मॉइस्चर नहीं रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, फिर वो ड्राई लगने लगती है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ उसके टिप्स बताती हूँ कि कैसे हम अपनी स्किन को ड्राई होने से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर स्किन ड्राई होती है तो उतनी जल्दी फिर रिंकल्स का भी फॉर्मेशन होने लगता है। तो सबसे पहले टिप नंबर 1, जैसे ही विंटर्स आए उस समय क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर लॉस बढ़ जाता है, ड्राइनेस रहने लगती है। तो आपको क्या करना है, रात में सोते समय अच्छे से कोकोनट ऑयल की मसाज करनी है पूरी बॉडी पे और उसके बाद ही आपको सोना है। या मैं आपको एक मिक्सचर बताती हूँ जिसमें आप इक्वल प्रोपोर्शन में ग्लिसरीन, नींबू और रोज़ वाटर लेके आप मिला के रख लें और वो उसको ओवरनाइट अप्लाई करें और सुबह फिर नहा लें। तो इससे भी क्या होता है कि स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहती है और हेल्दी रहती है। टिप नंबर 2, नहाते समय जो है वो 5 या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं नहाना है और जो वाटर है नहाने का वो भी ल्यूकवार्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है। टिप नंबर 3, जो सोप आप यूज़ करें वो भी माइल्ड होना चाहिए। अगर आप प्रेफर करें प्रेफरेबल, तो आपको जो हमारी होम्योपैथिक में भी सोप आता है, एक जिसमें मेडिसिंस होती हैं बर्बरेस, कैलेंडुला और ग्लिसरीन, कई तरह के इसमें सोप्स आते हैं, तो अगर वो आप यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ग्लिसरीन उसमें होती है वो भी मॉइस्चराइज करती है। बर्बरेस जो मेडिसिन होती है वो स्किन की हीलिंग में और ड्राइनेस को ख़त्म करने में भी हेल्पफुल करती है। तो ये जो मेडिकेटेड सोप आता है हमारी होम्योपैथिक में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। टिप नंबर 4, नहाने के बाद तुरंत ही आपको मॉइस्चराइज करना है पूरी स्किन को। हमारी होम्योपैथिक में मॉइस्चराइजर्स भी बहुत अच्छे आते हैं और क्रीम्स भी आती हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी एलोवेरा और कैलेंडुला के मिक्सचर की भी क्रीम आती हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। विंटर्स में ज़्यादातर थिक क्रीम यूज़ करनी चाहिए, जिससे स्किन जो है उससे वाटर लॉस भी कम होता है और मॉइस्चराइज रहती है। तो आप हमारी जो होम्योपैथिक में मॉइस्चराइज़र या लोशन आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जो ज़्यादा बार हाथ जो आजकल धोना पड़ रहा है कोरोना की वजह से, उसकी वजह से भी जो है स्किन में बहुत ड्राइनेस हो जाती है, तो या सैनिटाइज़र जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आपको क्या करना है, ये सैनिटाइज़र यूज़ करने के बाद या हैंड वॉश के बाद तुरंत ही हाथों को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, एक्सेस में आपको हीटर और हॉट एसी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्या होता है कि मॉइस्चर जो है वो पूरे बॉडी का ख़त्म हो जाता है और स्किन ड्राई रहने लगती है। टिप नंबर 7, स्क्रबिंग भी आपको हर 15 दिन में करनी है। 15 दिन से पहले आपको स्क्रबिंग नहीं करनी है, क्योंकि स्क्रबिंग से भी क्या होता है, स्किन ढीली पड़ जाती है, जिससे एवोपरेशन ज़्यादा होता है वाटर का और मॉइस्चर नहीं बसता है बॉडी में, जिसकी वजह से ड्राई रहने लगती है। टिप नंबर 8, कम से कम 10 से 12 ग्लास आपको फ्लूइड इनटेक करना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। विंटर्स में क्या होता है कि प्यास बिल्कुल नहीं लगती है,
जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर इनटेक कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन ड्राई रहने लगती है। तो आपको प्यास लगे या ना लगे, आपको 10 से 12 ग्लास पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 9, टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, इन सब का भी आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी जो हैं इनसे स्किन में जो ड्राइनेस होने लगती है और बहुत बेजान सी, रुखी रुखी सी लगने लगती है। तो इन सब चीज़ों का भी सेवन आपको नहीं करना है। टिप नंबर 10, खाने में आप ऑलिव ऑयल का यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वॉलनट का भी आपको यूज़ करें, क्योंकि इसमें भी जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो खाने में ऑलिव ऑयल और वॉलनट का भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको इनको लेना है और अच्छे से पूरी बॉडी पे मसाज करनी है, या आप ऑलिव ऑयल प्लस शुगर ये इक्वल प्रोपोर्शन में लेके इसका भी स्क्रब बना के आप अच्छे से स्क्रबिंग कर सकते हैं। ये इन दोनों में से कोई भी आप स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जो है और हनी दोनों स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली ड्राई स्किन के लिए। तो आप इसका भी पैक जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, डेली भी नहाने से आधा घंटा पहले आप लगा सकते हैं और फिर उसके बाद नहा सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताती हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन में पहली है पेट्रोलियम। अगर पूरी बॉडी में बहुत ड्राइनेस है, इसकी वजह से इचिंग भी होती है और इचिंग के बाद बर्निंग और ब्लीडिंग होने लगती है, तब उस पर पेट्रोलियम 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट है सल्फ़र। सल्फ़र वाले पेशेंट को भी ओवरऑल ड्राइनेस रहती है, और इसके अलावा जो इचिंग होती है वो नाइट में जो है वो एग्रावेट हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसमें सल्फ़र बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर थर्ड है मेडिसिन ब्राइनिया। अगर बहुत प्यास लगती है उसके बावजूद भी आपके लिप्स जो है वो ड्राई रहते हैं, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो उसमें ब्राइनिया 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर फोर्थ है सरसा परिल्ला। सरसा परिल्ला में अगर ड्राइनेस की वजह से रिंकल्स पड़ने लगे हैं फेस पे और इचिंग बहुत होती है, तब उसमें सरसा परिल्ला 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर लास्ट मेडिसिन है मेलेंड्रियम। अगर एड़ियाँ जो है वो फट जाती हैं विंटर्स में ड्राइनेस की वजह से, क्रैक हो जाते हैं और पेन होता है, तो उसमें मेलेंड्रियम 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। आप अगर ये होम्योपैथिक मेडिसिन प्लस टिप्स फॉलो करेंगे तो अपनी ड्राई स्किन से बहुत जल्दी ओवरकम कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे होम पेज पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं और हमारी मेडिसिन हम लोग ऑल ओवर इंडिया कोरियर भी कराते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।